दोस्तों, मैं सतपुड़ा आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ अगला टॉपिक, नाइट ट्रेडिंग। नाइट ट्रेडिंग है क्या? नाइट ट्रेडिंग है क्या? आज हम पढ़ेंगे नाइट ट्रेडिंग के बारे में। इसका उद्देश्य गैस नाइट ट्रेडिंग द्वारा केस हार्डनिंग प्रक्रिया का वर्णन नाइट ट्रेडिंग द्वारा केस हार्डनिंग प्रक्रिया समझना। नाइट ट्रेडिंग प्रक्रम में सतह को कार्बन की जगह नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। दो सिस्टम प्रयोग में आती है, गैस नाइट्रेडिंग तथा लवण कुंड नाइट्रेडिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि नाइट्रेडिंग प्रक्रम में सरफेस को कार्बन की जगह नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसमें क्या है कि कार्बन की जगह किससे प्रतिक्रिया जाती है? नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। यह दो सिस्टम प्रयोग में आती है, पहला गैस नाइट्रेडिंग और दूसरा लवण कुंडी नाइट्रेडिंग। एक होती है गैस नाइट्रेडिंग और दूसरी होती है लवण कुंड नाइट्रेडिंग। तो गैस नाइट्रेडिंग है क्या? गैस नाइट्रेडिंग इस प्रक्रम में पार्ट्स को 100 घंटे तक अमोनियम गैस के स्थिर प्रवाह में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, गैस नाइट्रेडिंग प्रक्रम में जो पार्ट्स होते हैं उसे 100 घंटे तक अमोनियम गैस के स्थिर प्रवाह में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कहता है, गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद नाइट्रेडिंग प्रक्रम के दौरान पुर्जे को तप्त एवं गैस रोधी बक्से में रखा जाता है। मतलब इसमें क्या कहते हैं, इसे गैस रोधी बक्से में क्या करते हैं, रखा जाता है। इसमें लगे प्रवेश द्वार इसमें क्या, ये प्रदेश नहीं, ये क्या है, प्रवेश एवं निकासी द्वार से अमोनिया गैस की आपूर्ति की जाती है। मतलब इसमें प्रवेश द्वार और निकासी द्वार से किसकी आपूर्ति की जाती है? अमोनियम गैस की आपूर्ति की जाती है जो नाइट्रोजन प्रदान करता है। सोखने की प्रक्रिया पूरा होने पर भी अमोनियम प्रवाहित करते रहते हैं जब तक इस्पात का तापक्रम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना गिर जाए। बॉक्स खोलकर हवा में ठंडा कर दिया जाता है। मतलब अब उसको बॉक्स को क्या कर देते हैं, खोल कर उसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। फिर नाइट्रेडिंग से सतह पर एक फिल्म बना देता है। मतलब नाइट्रेडिंग से सतह पर एक क्या बना देता है, फिल्म बना देता है जिसे हल्की बफिंग द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है, अब साल्ट बाथ में नाइट्रेडिंग क्या है कि इसके लिए विशेष प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं। मतलब इसमें कि स्पेशल प्रकार के क्या बनाते हैं, कुंड बनाए जाते हैं। यह प्रक्रम सभी प्रकार के एलॉयल तथा गैर एलॉयल प्रकार के इस्पात के लिए होता है जो एनिलीकृत अथवा गैर एनिलीकृत हो सकती हैं। इसे ढलवा लोहे के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसे किसके लिए उपयोग होता है, ढलवा लोहे के लिए भी। अब आता है प्रोसेस, इसका क्या है, इसका प्रोसेस लवण कुंड में लगभग 520 डिग्री सेंटीग्रेड से 570 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के पूर्व कारखंडों को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक पूर्व तप्त कर पूर्ण प्रतिबल मुक्त किया जाता है। सतह पर कार्बन एवं नाइट्रोजन यौगिक की मोटाई कितनी होती है, तो इसमें सतह पर कार्बन एवं नाइट्रोजन यौगिक की 0.01 से 0.02 mm मोटी एक मोटी होती है। ठीक है ना, मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.01 से 0.2 mm तक ये क्या होती है, मोटी होती है। अब आता है फ्लेम हार्डनिंग क्या है, ये हो गया। अब इसकी लेयर बन जाती है। मतलब देखिए क्या होता है, जब इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, मोटी एक परत बन जाती है जो कारखंड के अनुप्रस्थ क्या बनती है, एक 0.1 से 0.02 की क्या बनाती है, एक मोटी परत बन जाती है।
जो कारखंड के अनुप्रस्थ काट नाइट्रेडिंग की अवधि आधे घंटे से 3 घंटे तक निर्भर करती है। मतलब ये आधे घंटे से कितने 3 घंटे तक निर्भर करती है। गैस हार्डनिंग की अपेक्षा कम होती है जो कुंड से मतलब बॉथ से जो क्या बॉथ से निकालने के पश्चात कारखंड को पानी में बुझाया एवं साफ किया जाता है। तत्पश्चात उसे सूखा लिया जाता है। क्या कह लेते हैं, उसे डाई कर लिया जाता है, सूखा लिया जाता है। अब इसके नाइट्रेडिंग के लाभ क्या है। नाइट्रेडिंग से पूर्व पुर्जे को अंतिम रूप से मशीनिंग कर लेनी होती है। क्या करते हैं, अंतिम रूप से इसे क्या कर लेते हैं, मशीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रेडिंग के पश्चात बुझाने क्विंचिंग का कार्य नहीं किया जाता है। मतलब कि जब हम नाइट्रेडिंग के पश्चात क्या करते हैं, क्विंचिंग का कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार वे बुझाने से उत्पन्न प्रतिबल के कारण हुई विकृति से बच जाती हैं। इस प्रक्रम में पुर्जे को क्रांतिक तापमान से अधिक गर्म नहीं किया जाता है और इस प्रकार वार्पिंग एवं डिस्ट्रॉशन उत्पन्न नहीं होता है, विरूपण उत्पन्न नहीं होता है। डिस्ट्रॉशन मतलब विरूपण उत्पन्न नहीं होता। इसमें क्या नहीं उत्पन्न होता, विरूपण नहीं उत्पन्न होता। हार्डनेस एवं टूट फूट रोधकता, देखिए क्या होता है, हार्डनेस एवं टूट फूट रोधकता कभी कभी होती है। मतलब इसमें हार्डनेस एवं टूट फूट की रोधकता कभी कभी होती है। संक्षारण प्रतिरोधकता में भी हल्का सुधार होता है। चूँकि अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता में हल्का सुधार होता है, लेकिन उचित ऊष्मा उपचारों से भी सभी एलॉय इस्पात स्वभाव से ही मजबूत होते हैं। इसलिए सामर्थ्य स्ट्रेंथ एवं टूट फूट रोधकता एक अच्छा संयोग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक अच्छा संयोग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक अच्छा संयोग प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नाइट्रेडिंग। कल हम पढ़ेंगे फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाइट्रेडिंग का, नाइट्रेडिंग है क्या, गैस नाइट्रेडिंग, सॉल्ट तथा बॉथ नाइट्रेडिंग, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बाद इसकी लेयर बन जाती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये। अब जो कोई जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।